नमस्कार, राजगिरी में आपका स्वागत है। वीकेंड स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में हम बात कर रहे हैं सितार वादक पंडित गौरव मजूमदार से। पहले हिस्से में हमने उनसे संगीत सुना और उनके गुरु पंडित रविशंकर के बारे में ढेर सारी बातचीत की। इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे पंडित जी यानी पंडित गौरव मजूमदार के संगीत पक्ष में जो कोलैबोरेशंस हैं, यानी जो विश्व के दूसरे कलाकारों के साथ मिलकर संगीत बजाते हैं, उस पक्ष पर बातचीत करेंगे। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रैमी नॉमिनेशन की। तो उस जो अचीवमेंट था आपका, उसके बारे में बताइए। शिवेंद्र जी, ग्रैमी नॉमिनेशन जो है 2004 जो साल था, मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो साल था, क्योंकि कुछ इवेंट्स, एक तो 1999 में जब ये नया मिलेनियम शुरू हुआ 2000, मैं वैटिकन में बजाया वो कॉन्सर्ट के बाद। थोड़ा एक ग्लोबल, एक छोटा सा एक मेरा प्रेजेंस, लोग मुझे जानने लगे, सुनने लगे और ज़्यादा। और उसके बाद 2004 में मैंने ओलंपिक्स जो था उसका सेंटेनरी था ग्रीस में, उसका ओपनिंग जो था फिलिप ग्लास के साथ मैंने किया, और उसका जो संगीत था गुरु पंडित रविशंकर जी ने उसको कंपोज किया था। ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए, गुरु जी का म्यूज़िक बजाना फिलिप ग्लास के साथ, वो भी ओलंपिक्स का ओपनिंग 2004 में ग्रीस में। उसके अलावा 2004 में एक रिकॉर्डिंग जो था वार्नर ने रिलीज़ किया था, ईस्ट मीट्स वेस्ट, ये वही म्यूज़िक है जो गुरु जी ने यहूदी मेनविन के साथ बजाया था, और वही पीसेज राग पीलू और स्वर काकली जो कि राग तिलंग में निबद्ध है, हमने उसको रिकॉर्ड किया था और ये ग्रैमी तक गया, नॉमिनेट हुआ। ये एक बहुत एक पल है जो हम कभी उसको भूल नहीं सकते हैं, और हमको लगा कि चलो कम से कम जो इंटरनेशनल हमारा जो म्यूज़िक कम्युनिटी है उसने मुझे एक्सेप्ट किया, उसने मुझे दाद दिया, उसने मेरे संगीत को सराहा, और मुझ में एक शक्ति बोलिए या एक विश्वास बोलिए, और या जो मेरे अंदर जुनून था उसको एक शक्ति मिला कि नहीं, हमको अभी और मेहनत करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है। सो ये एक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, ग्रैमी नॉमिनेशन 2004 फॉर ईस्ट मीट्स वेस्ट विद माय वेरी डियर फ्रेंड डैनियल होप। दादा, उपशास्त्रीय संगीत की बात नहीं हो रही है तो क्यों ना कुछ कोई ठुमरी, कुछ चैती, कुछ जो आप छेड़ना चाहें। शंकर जी की परंपरा कह लें या ये कह लें कि वो खुद भी बहुत सारे कोलैबोरेशन करते थे, और आपने भी बहुत सारे बड़े कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन किया है जो वर्ल्ड म्यूजिक में बड़े नाम है, डेनियल होप की तरह के बड़े दिग्गज कलाकारों में शुमार है, तो ये जो कोलैबोरेशन है आपके, उनके बारे में बताइए। शिवेंद्र जी, ये कोलैबोरेशंस जो है मेरे लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस था। मैं सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं कि अच्छा मैं इसके साथ कोलैबोरेशन करूंगा, इसके साथ एक एक या तो म्यूजिशियंस मुझे मिलते गए या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए या हमको बताया गया कि आप ये काम करिए। डैनियल होप का जैसे है, वो मेरे गुरु माँ और गुरु जी पंडित रविशंकर जी, उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला जो है, और मुझे काफ़ी ताजुब हुआ कि मैंने कहा कि
जो पीसेज मेरे गुरु ने बजाया है और इतना खूबी से उन्होंने कंपोज किया है, बजाया है, उसको मैं कैसे बजा पाऊंगा? मैंने ना बोल दिया था, मैंने बोला कि नहीं। एक तो करीब 2 बजे फ़ोन आया था डैनियल होप का, वो विदेश से उन्होंने फ़ोन किया, उनको शायद टाइम डिफरेंस का पता नहीं था। मैं सो रहा था तो उन्होंने बात किया, हमने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा, और आप किसी और को देखिए, और क्योंकि ये पीसेज बहुत मुश्किल पीसेज हैं, मेरे गुरु के बजाए हुए हैं, तो मैं इसके साथ छेड़खानी करना मैं पसंद। तो उन्होंने बोला नहीं, आपके गुरु और गुरु माँ ने आपका नाम दिया है आपके बारे में। हमने कहा कि नहीं, उनको उनको मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप किसी और को देख लीजिए। और मैंने बोला कि अनुष्का हैं, अनुष्का तो बजा रही हैं, आप बहुत अच्छा बजा रही हैं, आप उनको। तो उन्होंने बोला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, मैंने ना बोल दिया, फिर मैं सोने चला गया। और 1 मिनट में फिर गुरुजी का और चिनमा का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला तुमने ना क्यों बोला? हमने कहा कि ना, मैंने ऐसे नहीं, आप उसको वो मत करिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुमको मेरा आशीर्वाद है, तुम रियाज शुरू करो, अगर तुमको कुछ उसमें जानना है, सीखना है, मैं कराऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको बजाओ। तो इसी तरीके से जो भी मेरे कोलैबोरेशंस थे, जैसे एक एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन मैं आपको बताऊं, एलन होवर्नेस, ही वाज अ वंडरफुल कंपोजर, आर्मेनियन बट बेस्ड इन अमेरिका, आर्मेनियन अमेरिकन। उन्होंने मेन्युइन ने उनको 60s में उनको कमीशन किया था एक डबल कॉन्चर्टो लिखने का, फुल ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, उसके साथ सितार और वायलिन डबल कॉन्चर्टो। उन्होंने उसको लिखा, उसके बाद मेन्युइन का मन था कि वो पंडित रविशंकर जी के साथ और वो वायलिन बजाएंगे, मेन्युइन, गुरुजी सितार बजाएंगे, और एक लार्ज ऑर्केस्ट्रा के साथ ये कॉम्पोजिशन वो उसको लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन किसी कारण से वो हुआ नहीं। बाद में हो तो हो, वो जो जिसके पास वो कॉम्पोजिशंस के राइट्स थे, फिर होवर्नेस के फैमिली वो कैसे करके हमारे टच में आए, हमको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं स्लोवाक फिलहारमोनिक के साथ, हम चाहते हैं आप इसको, सितार का जो पार्ट है आप बजाइए। सो वो बोलिए, फिर मेरा जो मैंने काफ़ी सारे मन में जब भी कुछ आता है, मैं थोड़े थोड़े राग भी कंपोज करता हूँ। जब वैटिकन में मैंने बजाया तो मैंने एक राग बनाया जो सिर्फ आरओ में सिर्फ 4 स्वर है, अवरो में सिर्फ 5 स्वर है, आकांक्षा बोल के मैंने कहा कि क्योंकि नया मिलेनियम है, हमारी बहुत सारे आशाएं हैं अभी कि नया मिलेनियम ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये बेटर होगा, वो बेटर होगा, तो हमने उसका नाम आकांक्षा दिया था। तो वो बोलिए, फिर इंग्लिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने कंपोज किया, निमराना बोल के एक प्रोजेक्ट मैंने इंडिया में किया था फ्रेंच क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ। फिर उसी बार मैंने, ये करीब 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ शिवेंद्र जी, मोजार्ट का जो पहला जो उन्होंने जो अपेरा किया था, बास्तियान एंड बास्तियान, उसको मैंने पूरे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैंने उसको ऑर्केस्ट्रेट करके उसको हमने तैयार करके वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ, ऑपेरा सिंगर्स के साथ हमने उसको परफॉर्म किया था। उसके अलावा हर्मन हेसे का जो बुक है सिद्धार्थ, नोबेल प्राइज विनिंग राइटर, उसको मैंने बैले का म्यूज़िक मैंने किया था, वो इंटरनेशनली प्रेजेंट हुआ था, बहुत सारा आ गया था। फिर श्वेत बोल के एक मूवी बना था इंडियन का, जो फार्मर्स का जो इशू है उसके उसको लेके, उसका म्यूज़िक मुझे बोला गया था, मैंने उसको किया। फिर यहाँ पे सिंफोनियाटिया के साथ मेरा जो उसके पहले चाइना में बेल्ट एंड रोड फेस्टिवल का जो इनाग्रेशन था, उसमें मेरा जो सेलिब्रेशन जो टाइटल्ड सेलिब्रेशन जो मेरा सितार कॉन्चर्टो 1 है, उसका मैंने प्रीमियर किया। फिर शिकागो सिंफोनियाटिया के साथ हमने यहाँ पे शिकागो में उसको परफॉर्म किया। अभी नेक्स्ट ईयर मेरा जो दूसरा मेरा सेकंड कॉन्चर्टो मैं लिख रहा हूँ कलर्स बोल के, उसको मैं प्रेजेंट करूँगा। उसके अलावा डैनियल होप हैं, फिलिप ग्लास है, केनी वर्नर हैं जैज म्यूजिशियन, काफ़ी लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, एन मोराडियन, शी इज़ अ मॉडर्न डांसर, उसने वो वोमेन बेयरिंग बोल के एक ब्यूटिफुल पोएट्री है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया था उसका म्यूज़िक। तो मैंने क्या है, बाई नेचर मैंने ना बोलना नहीं सीखा है, तो जब भी कोई हमको एक चैलेंज बोलिए या ऑफर बोलिए या कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं,
मैं हाँ बोल के उसको अपना जो पूरा जी जाने में लगा देता हूँ, फिर उसका जो फल जो भी कुछ है वो लोगों के सामने है कि उनको अच्छा लगे ना लगे वो फिर हमको लोग बताते हैं कि लेकिन अभी तक जितना भी हुआ है आप लोग के आशीर्वाद से लोगों को अच्छा लगा है और मुझसे उससे उस क्या होता है एक हौसला मिलता है कि नहीं चलो ठीक रास्ते पे हैं काम करते जाओ। अच्छा, मैं ये सवाल अक्सर पूछता हूं उन कलाकारों से जो कोलैबोरेशन ज्यादा करते हैं या जिनकी जिनकी कोलैबोरेशन में दिलचस्पी होती है या जिसमें उनकी महारत होती है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि किन बातों का खास ध्यान रखना होता है जब आप कोलैबोरेट करते हैं एक एक पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत को। शिवेंद्र जी, देखिए मैं यहाँ पे कोई प्रीच नहीं करना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। मैं जो रास्ता फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। कोलैबोरेशन एक मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे कल्चर को या दूसरे एक इंसान को या दूसरे एक इंसान के बैकग्राउंड को जानने का। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि दुनिया, लोग बोलते हैं दुनिया बहुत छोटा हो गया है और दुनिया बहुत बड़ा है और इसमें इतने इतने अलग 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 तरीके के कल्चर हैं, अलग अलग तरीके का म्यूजिक है, जुबान है, खाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको जानते हुए। मैं हरदम जानना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे रहते हैं, ये कैसे बात करते हैं, ये क्या खाते हैं, इनके इनके घर में जो जो रिवाज है या इनके घर में जो नियम है वो कैसे होता है। तो कोलैबोरेशन मेरे लिए वो है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोलैबोरेशन में ऐसा ना हो कि हम अपना ही राग बजाएं, हम अपना ही ताल बजाएं। वो तो हम हरदम करते हैं। हम जब सितार लेके एक तबले वाले के साथ या पखावज वाले के साथ बैठते हैं, हम उसमें हम अपने अपने ही राग बजाते हैं। हम भैरवी बजाते हैं, हम भीमपलासी बजाते हैं, हम भैरव बजाते हैं, हम दरबारी बजाते हैं, हम तीन ताल बजाते हैं, हम झपताल बजाते हैं। अब एक अगर वायलिन प्लेयर के साथ हम मिलते हैं या गिटार प्लेयर के साथ हम मिलते हैं या ऑर्केस्ट्रा के साथ हम मिलते हैं और वही चीज़ फिर से हम करते हैं, तो इसमें मुझे कोई बड़प्पन नज़र नहीं आता है क्यों। और जब इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, सब लोग एक ही लाइन सब लोग बजा रहे हैं, मैं भी सारे गामा बजा रहा हूँ, वो भी सारे गामा बजा रहे हैं, वो फिर आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ म्यूजिशियनशिप एंड ट्रेडिशन। बिकॉज उनका जो ट्रेडिशन है उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है, आपका जो भी ट्रेडिशन है उसको भी करना है और देखना है कि इसको हम लोग कहाँ मिल सकते हैं, हम लोग क्या प्रेजेंट कर सकते हैं कि सुनने में इंडियन भी लगे, सुनने में उनका भी ट्रेडिशन लगे और एक नयापन भी हो उसमें। ये मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि उसमें मेलोडी भी हो, उसमें आपका रिदम भी हो, उसमें हमारे जो इंडियन म्यूजिक का जो रिदमिक जो जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब भी रहे, एट द सेम टाइम उसमें हारमोनी भी हो, उसमें बाहर का फोक भी हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके के आप कितना कुछ कर सकते हैं। बट वही अगर हम लेके एक गत बजाते हैं, उन लोग हमारे साथ गत बजा रहे हैं, फिर तान बजा रहे हैं, वो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेशली शुरू में मैंने भी वैसे ही किया था, शुरुआत वही था, लेकिन बाद में फिर मैंने चेंज किया। मैंने कहा कि नहीं, जैसे आप सेलिब्रेशंस, अगर आप मेरा कॉन्चर्टो सुनेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हमने रागों के बाहर मैंने काम किया है। राग है, राग में जाके फिर रागों के बाहर उसमें हारमोनी बोलिए, उसमें काउंटर पॉइंट्स बोलिए। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो मैं कोशिश हरदम करता हूँ। सो कोलैबोरेशंस मेरे लिए जो है वो एक सीखने का जरिया है कि मुझे ये नहीं मालूम, चलो इसको मालूम करते हैं, करके मैं भी बजाता हूँ, वो हमारा चीज़ बजाते हैं, मैं उनका चीज़ बजाऊँ और मिलजुल के फिर मैं जो कंपोज करता हूँ वो जो उसके बाद जो हमारे सामने आता है वो मैं लोगों के सामने, और वो पूरा लिखित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बजाया, इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने किया, फिर हमने किया, नहीं, पूरा लिखित नोटेशन होता है। नोटेशन उनके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, कहीं कहीं इम्प्रोवाइजिंग भी होता है। कुछ लोग होते हैं इम्प्रोवाइजिंग कर पाते हैं तो ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन सबको लेके चलना वो कोलैबोरेशन है। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ कि जब मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था
और मैं गौरव दा के बारे में चीजें पढ़ रहा था, खोज रहा था, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मीडिया कवरेज मिले जिसमें उनके बारे में जो कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं उसका बहुत छोटा छोटा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने पढ़ा जहां पर एक एक ऐसी खबर विदेशी अखबार की जहां लिखा था कि ही इज डूइंग फुल जस्टिस टू द आईएएस यानी रविशंकर कंपोजिशंस, यानी वो रविशंकर जी की कंपोजिशंस के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ा जहां पर एक एक, एक और अखबार में लिखा हुआ था कीपिंग गुरुकुल अलाइव। तो दादा, जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और जब इस तरह की जिम्मेदारियों वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लगता है कि जो परंपरा, समृद्ध परंपरा आपके साथ है, उसमें जिम्मेदारियां वाकई और बढ़ी हैं? शिवेंद्र जी, देखिए, ये जो आपने बताया मीडिया में या लोगों ने हमको बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है, तो एक तो है मेरे गुरु पंडित रविशंकर जी या मेरे उसके पहले जितने गुरु हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनके प्रति मैं जितना सच्चा रह सकूँ। सो अगर पंडित रविशंकर जी का कोई गत बजा रहा हूँ या उनका कोई म्यूज़िक मैं बजा रहा हूँ, मैं बहुत 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 रियाज करके उसको समझ के, सीख के, उसके गहराई में जाके मैं कोशिश करता हूँ उसको लोगों के सामने लाने का। ये एक बात मेरा बहुत मैं हरदम कीपिंग गुरुकुल अलाइव, जो दूसरा जो आपने बताया, वो इसलिए है क्योंकि जो सिखाना जो है मेरे लिए एक तपस्या के तरह है, एक पूजा के तरह है। मेरा जो जीवन है, मैं बहुत 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 कोशिश करता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग बोलिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस संगीत को जानना सीखना चाहते हैं, मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ में जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उनके साथ शेयर करूँ, बांटूँ मैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे घर में म्यूज़िक स्कूल होता था इलाहाबाद में, मजुमदार स्कूल ऑफ म्यूज़िक। मैं हरदम देखता था पापा घंटों अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनको सिखाना, उनको तैयार करना, और मैंने हरदम ये समझा, ये सीखा, ये जाना, तजुर्बे से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप सिखाते हैं, सिखाने से ज़्यादा आप खुद आप सीखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानने को मिलता है। एक गत आप खुद बजाइए और वही गत आप लोगों को सिखाइए, आप उस गत के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे अगर आप उसको सिखाएंगे। तो शुरू से इवन पंडित रविशंकर जी के यहाँ भी मैंने तो देर से सितार शुरू किया था, लेकिन उनके पास जो शागिर्द आते थे गुरुजी, हमारे पास उनको भेजते थे कि इन गौरव के पास जाके ये गत हमारा सीख लो, या ये राग हमने अभी कराया है, या ये राग हमने अभी नया कंपोज किया है। तो हमारे पास काफ़ी लोग आते थे, हम तो शुरू से सिखाने का जो एक परंपरा है उसको मैंने फॉलो किया है और अभी भी कर रहा हूँ और हरदम करूँगा। और आज काफ़ी सारे हमारे शागिर्द हैं जो अच्छा बजा रहे हैं और मुझे बहुत नाज है उन पे, बहुत बहुत गर्व है। और गुरुकुल, कीपिंग अलाइव द गुरुकुल, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट, एंड आई टेक इट हम्बली, एंड आई बो डाउन टू द पर्सन हु रोट दैट आर्टिकल फॉर मी। थैंक यू गौरवदा, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राजगिरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।